हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मंसूर हसन फ्रॉम आईटी मरकज एनसीसीएनए की फर्दर ट्रेनिंग के साथ एनसीसीएनए की फर्दर ट्रेनिंग के टॉपिक के साथ हम आज फिर हाजिर हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसको वो है ओएसआई रेफरेंस मॉडल। तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो कि डेटा ट्रांसमिशन या डेटा टर्मिनेशन अक्रॉस द नेटवर्क विद इन द सॉफ्टवेयर का स्टैंडर्ड। मतलब इसको अगर थोड़ा सा और आसान अल्फाजों में कहूँ तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो कि बेसिकली कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक एल्गोरिथम्स हैं, ये एक पैटर्न है जिसके तहत सॉफ्टवेयर में डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर वो सॉफ्टवेयर जो है वो नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हों, अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बनता है जो नेटवर्क के ऊपर काम करता है तो उसमें जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड या एक पीसी से दूसरी पीसी तक या एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन तक, तो उसका जो लेआउट होगा या उसका जो पैटर्न होगा किस रूल्स के अकॉर्डिंग वो डाटा ट्रांसफॉर्म होगा, किस रूल के अकॉर्डिंग वो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उस रूल को हम कहते हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ये एक रूल सेट ऑफ रूल सेट कर मतलब सेट ऑफ रूल बनाता है कि जो एक सॉफ्टवेयर को बाउंड करते हैं कि वो इस पोजीशन में इस लॉ के अगेंस्ट या इस रूल्स के अगेंस्ट डाटा ट्रांसफॉर्म करे वन नोड टू अनदर नोड। इसका बेसिकली पर्पज़ ये था कि जब एट इनिशियल स्टेट जब सॉफ्टवेयर नए नेटवर्क बना, बेसिकली जब नेटवर्किंग स्टार्ट हुई, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया और सॉफ्टवेयर्स को नेटवर्किंग के हिसाब से बनाया जाने लगा, तो उस वक्त शुरू में ये हुआ कि कोई स्टैंडर्ड सेट ना होने की वजह से जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को नेटवर्क के हिसाब से एडजस्ट करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा बग्स आते थे, डाटा ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता था, कभी समटाइम डाटा पूरी तरह से पहुंच नहीं पाता था या बहुत सारे रीज़न होते। तो ISO ने एक इसके लिए भी स्टैंडर्ड सेट किया कि अगर कोई नेटवर्क के ऊपर सॉफ्टवेयर बने तो वो उसके अंदर जो डाटा ट्रैवल करे या डाटा ट्रांसफॉर्म हो वो इन रूल्स के अगेंस्ट हो, कि इन इस बेसिकली जो ओएसआई की लेयर्स हैं वो सात लेयर्स हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया वो सात लेयर्स में डिवाइड किया गया। हर लेयर का एक अपनी फंक्शनैलिटी बयान करी गई, हर लेयर के पास अपना एक काम था, उसकी एक अपनी स्पेसिफिकेशन थी कि उस लेयर के ऊपर ये काम होगा, उसके ऊपर ये चीज़ें यूज होंगी, ये एप्लीकेशंस यूज होंगी या ये डिवाइसेस यूज होंगी, उसका पूरा एक आर्किटेक्चर था बनाया गया। तो अब ये देखते हैं तो वहाँ पे एक हायरार्की बनी, ठीक है। तो हायरार्की में जो हमारे जो लेयर्स हैं वो बॉटम टू टॉप होती है, इसमें जो डाटा ट्रांसफॉर्म होता है वो बॉटम टू टॉप होता है। तो जो सबसे पहली लेयर है वो है फिजिकल लेयर, सेकंड लेयर है डाटा लिंक लेयर, तीसरी लेयर है नेटवर्क लेयर, चौथी लेयर है ट्रांसपोर्ट, पाँचवीं लेयर है सेशन लेयर, छठी लेयर है प्रेजेंटेशन और सातवीं लेयर है एप्लीकेशन लेयर। तो अब इन लेयर्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि इन लेयर्स की फंक्शनैलिटी क्या है और ये लेयर्स किस तरह से काम करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर ये होती है सबसे मोस्ट बेस लेयर होती है, ठीक है। जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि फिजिकल लेयर एक बेसिक लेयर बेस लेयर है। फिजिकल इसमें जो इक्विपमेंट लगेंगे उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होंगी, और इसको थोड़ा सा और आसान करें, फिजिकल लेयर पे हम डिवाइसेस को एक दूसरे से फिजिकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि मेरे पास दो सिस्टम है, अगर मैं उन दोनों सिस्टम को आपस में ज्वाइंट करूँगा किसी मीडियम के थ्रू, दैट मींस वी आर वर्किंग ऑन द फिजिकल लेयर, ठीक है। ये इस पे जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, हब्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, पीसीज हो सकते हैं, प्रिंटर्स हो सकते हैं, कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट होगी वो जिस लेयर पे कनेक्ट होगी, कनेक्टिविटी लेयर को हम जो कहते हैं फिजिकल लेयर कहते हैं। इसमें जो डाटा पास होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में पास होता है, ठीक है। वायरलेस सिग्नल्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, ब्लू ईथर मॉलिक्यूल्स के थ्रू डाटा ट्रैवल करता है। तो जो हम जहाँ पे कनेक्टिविटी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ते हैं वो फिजिकल लेयर कहलाती है। एनीवेज, अब देखते हैं डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर के दो सब लेयर्स होती हैं, ठीक है। इस लेयर में बेसिकली जो काम हो रहा है वो होता है सेगमेंटेशन, वो फ्रेम पासिंग का,
यहाँ पे जो डाटा होता है वो फ्रेम पासिंग होता है, थोड़ा सा इसकी डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये OSI लेयर, मतलब जो डाटा लिंक लेयर है वो OSI रेफरेंस मॉडल में सेकंड नंबर की लेयर है, बॉटम टू टॉप, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इसमें जो है ना दो काम होते हैं बेसिकली, अगर हम देखें तो इसमें एक इसके अंदर या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि इसकी दो सब लेयर्स हैं, डाटा लिंक लेयर की दो सब लेयर्स हैं। एक होती है LLC लिंक लॉजिकल लिंक कंट्रोल और दूसरी होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो अभी पहले हम इसको देखते हैं कि डाटा लिंक लेयर का बेसिक पर्पस क्या है। डाटा लिंक लेयर पे बेसिकली हम मीडिया के एक्सेस को कंट्रोल करते हैं, मतलब जो हमारा मीडियम एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट है, वो जिस मीडियम के थ्रू कनेक्ट है उस मीडियम के यूजेज को कंट्रोल करते हैं, उसका फ्लो कंट्रोल करते हैं, जो फ्रेम पास हो रहा है फ्रॉम, मतलब जो डाटा पास हो रहा है उसमें एरर चेकिंग करते हैं। ये काम हम करते हैं डाटा लिंक लेयर पे। अच्छा, इसकी जो दो सब लेयर हैं उसको भी देख लेते हैं। इसको इसकी एक जो पहली लेयर है लिंक लॉजिकल कंट्रोल, ठीक है, ये क्या करती है, बेसिकली एड्रेसिंग कंट्रोल प्रोवाइड करती है डाटा लिंक लेयर पे। इसका ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर कोई डिवाइस एक मतलब एक नोड दूसरे नोड के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है या एक पीसी दूसरे पीसी को डाटा शेयर कर रहा है, तो वहाँ पे ये वो मैकेनिज्म डिफाइन करती है कि इस मैकेनिज्म के थ्रू हमारा जो डाटा है वो ट्रांसमिट होगा, ठीक है। इसकी फर्दर जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम स्विचिंग पढ़ेंगे, तो डाटा लिंक लेयर को हम और डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी हम दोनों सब लेयर्स को थोड़ी और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का रखेंगे। अभी हम दूसरे देखते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो डाटा लिंक लेयर की दूसरी लेयर है, दूसरी सब लेयर है। यहाँ पे बेसिकली जो क्या होता है कि मीडिया का यूजेज देखा जाता है, इसको भी हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्विचिंग पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ होती है कि हम देखते हैं कि जब एक नॉर्मल सी चीज़ होती है कि जब भी कोई चीज़, अगर आप वन वे रोड पे जा रहे हो, ठीक है, तो या कोई ऐसा कर लें कि जब आप किसी दरवाजे से एंटर होते थे, एट ए टाइम सिंगल पर्सन ही उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है, या तो आप चले जाओगे या तो वो आ जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने को क्या कहते हैं कि जो आपको रोक रहा है, जो चीज़ आपको बॉदर करने पर, मतलब रोकने पर बॉदर कर रही है, वो कहलाता है कंट्रोल। इसी तरह से जब आप कोई सिस्टम का, मतलब नेटवर्क के अक्रॉस डाटा सेंड कर रहे होते हैं, तो जो मैकेनिज्म ये चेक करता है कि मीडियम यूज़ में है कि नहीं। जैसे अगर आप वायर के ऊपर डाटा सेंड कर रहे हैं, एक पीसी दूसरे पीसी के थ्रू वायर के थ्रू कनेक्टेड है, और वो पीसी एक दूसरे पीसी को डाटा सेंड करना चाहता है, तो पहले वो देखेगा कि मीडिया जो है वो किसी और के यूज़ में तो नहीं है। ये एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये किस तरह से यूज़ किया जाता है, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि मीडिया यूज़ में है या नहीं, उसको कहते हैं sysma/cd या csama/cd, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन है उसको कहते हैं कैरियर सेंस मल्टी एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। मतलब जैसे कैरियर सेंस मल्टी एक्सेस, मतलब इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है जो कैरियर है हमारा मीडिया है, वो उसको सेंस करता है मल्टीपल एक्सेस के लिए, कि उसको कोई मल्टीपल एक्सेस तो नहीं है, तो क्या किस लिए, ताकि कोलिजन बचाए जाएँ, कोलिजन से रुका जाए। क्योंकि जब एक मतलब डाटा यूजेज में होता है, मीडिया यूज में होता है, अगर उस एट द सेम टाइम कोई और सिस्टम डाटा सेंड कर दे, तो जो होता है नेटवर्क में कोलाइड हो जाता है, पैकेट कोलाइड हो जाता है और नेटवर्क जैम हो जाता है। तो ये बेसिकली जो काम है हमारा नेटवर्क लेयर पे होता है, वो डाटा लिंक लेयर की दूसरी जो सब लेयर है उस पर काम होता है। यानी अब देखते हैं तीसरी जो लेयर है हमारी, यहाँ से बॉटम से टॉप, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है वो थर्ड लेयर है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने डाटा लिंक लेयर के बारे में ये नहीं बताया, इसमें जो डाटा ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है फ्रेम्स की सूरत में पास होता है, ठीक है। फ्रेम्स के हेडर भी देख लेते हैं, लेट मी पॉज द वीडियो। तो ये होगा कि मैं आपको फ्रेम के बारे में थोड़ी सी और डिटेल दे सकता हूँ। एनीवेज, अभी फ़िलहाल मेरे पास ऐसी रिसोर्स नहीं मिली मुझे जिसके थ्रू मैं, एनीवेज, जब भी मैं स्विचिंग पढ़ाऊँगा तो उस वक्त मैं ये ज़रूर कवर करूँगा, ठीक है। इसमें वो नेटवर्क लेयर भी कवर करूँगा उसमें ही, और उसी में जो है मैं जो फर्दर डिटेल जो पढ़ेंगे इन टॉपिक्स OSI को, जो डिटेल में पढ़ेंगे वो हम स्विचिंग से पहले पढ़ेंगे, मतलब स्विचिंग में ही पढ़ेंगे, जो स्विचिंग के फंडामेंटल्स होंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि डाटा लिंक लेयर की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है। तो अगर अभी मैं बताने बैठा तो हो सकता है काफ़ी चीज़ें आप लोगों को समझ में ना आए। एनीवेज, नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, नेटवर्क लेयर पे लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, ठीक है। डाटा लिंक लेयर पे फिजिकल एड्रेसिंग होती है और नेटवर्क लेयर पे लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, ठीक है। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए, ठीक है।
उसमें एक पैकेट को मतलब जो राउटिंग डेस्टिनेशन होती है, जैसे आपका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है एरिया में आपकी, और एक होती है लॉजिकल एग्जिस्टेंस। तो जो लॉजिकल एग्जिस्टेंस होती है किसी भी पीसी की या किसी भी डिवाइस की विद इन द नेटवर्क, वो नेटवर्क लेयर के ऊपर एड्रेसिंग स्कीम्स होती हैं। इसको जब हम पढ़ेंगे, जब हम सबनेटिंग पढ़ेंगे तो हम इसको ज़रूर कवर करेंगे, नेटवर्क लेयर क्या काम करती है। ठीक है, इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो पैकेट्स की सूरत में होता है, क्योंकि ये लेयर थ्री कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें पैकेट्स के थ्रू डाटा ट्रांसफॉर्म होता है। जब हम सबनेटिंग रियलिज्म वगैरह पढ़ेंगे तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि आईपीस क्या होती हैं। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग भी पढ़ेंगे, बेसिकली हम एक टॉपिक करेंगे आईपी एड्रेसिंग, उसमें हम ये नेटवर्क लेयर मतलब पूरी कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर एक वो लेयर होती है जिसमें जो है ना एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे एक नॉड से दूसरी नॉड। अब होता क्या है कि आपके पास फिजिकल कनेक्टिविटी हो गई फिजिकल लेयर के ऊपर, डेटा लिंक लेयर के ऊपर आपके पास फिजिकल एड्रेसिंग स्कीम हो गई। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर के ऊपर आपके पास क्या हो गया कि आपके पास लॉजिकल एड्रेसिंग हो गई, मीन्स कि आपके पास एड्रेसिंग स्कीम सारी हो गई। अब क्या है, कनेक्शन प्रोवाइडेंस है, मतलब कनेक्शन प्रोवाइड करना है एक एंड को। वो तीन लेयर हो गई, उन तीन लेयर करने जो है ना एड्रेसिंग कर दी। अब चौथी लेयर जो है ये कम्युनिकेशन एनेबल करने के लिए दो नॉड्स को आपस में कम्युनिकेट कराएगी। लेट्स से हमारे पास दो सिस्टम हैं, उन दोनों के पास एड्रेसिंग स्कीम और फिजिकल एड्रेसिंग हो गई। ठीक है, फिजिकल कनेक्टिविटी हो गई। अब जो होगा वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है, इसमें जो होता है सेगमेंट होते हैं, इसमें सेगमेंट ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहलाती है सेशन लेयर। सेशन लेयर जो होता है कि कितने से कितनी देर तक डाटा ट्रांसफॉर्म होगा इस एक नोड से दूसरे नोड तक, मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक कितनी देर का सेशन बनेगा, वो जो सेशन कंट्रोल होता है वो सेशन लेयर के ऊपर होता है, जो कि एक सर्विस होती है जिसको कहते हैं हम रिमोट प्रोसीजर कॉल, के मतलब रिमोट सिस्टम के ऊपर एक प्रोसीजर की कॉल देते हैं कि हम कि वो भाई इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैं मीडिया यूज़ करूँगा इस पीसी को डाटा सेंड करने के लिए। मतलब एक पीसी दूसरे पीसी के ऊपर एक आरपीसी कॉल चलाता है, जिसमें वो नेटवर्क को ये अनाउंस करता है कि मैं इस टाइम से लेकर इस टाइम के पीरियड में मैं इस सिस्टम से उस सिस्टम तक, अपने सिस्टम से दूसरे नॉड तक डाटा ट्रांसफॉर्म करूंगा। जो ये सेशन कंट्रोलिंग होती है ये सेशन लेयर के ऊपर होती है। ठीक है, जो अब उसकी अगली लेयर है वो प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर में बेसिकली फॉर्मेटिंग होती है कि आपके पास जो कोड्स आते हैं वो डीकोड होते हैं, जैसे डाटा आया एप्सिटिक कोड में आया, एस्की कोड में आया या किसी और फॉर्म में आया, तो अब वो रीफॉर्म हो रहा है एप्लीकेशन लेयर को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये जस्ट यूजर से पहले वाली लेयर होती है, जब तक यूजर के पास डाटा लैंड होने वाला था उससे जस्ट पहले की लेयर होती है। इसमें बेसिकली कोडेड फॉर्म में डाटा होता है, जो मतलब इसको कहते हैं हम रॉ फॉर्म में डाटा होता है, इस लेयर के ऊपर रॉ फॉर्म में डाटा होता है। जब यहाँ से जब डाटा फॉर्मेट होकर आता है तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जाता है, वहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा। ठीक है, या किस प्रोटोकॉल के अगेंस्ट ये डाटा आया है। ठीक है, वहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं किस प्रोटोकॉल के अगेंस्ट डाटा जाएगा, वहाँ पे ये डिसीजन हो रहे होते हैं कि वहाँ पे किस एब्स्ट्रक्शन के थ्रू हमारा जो है मतलब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड मेथड, जो एक नए मतलब इसको हम सबसे आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि यहाँ पे हम वो प्रोटोकॉल यूज बताते हैं अपने एप्लीकेशन को डाटा सेंड करने के लिए जो एक नोड से दूसरे नोड तक यूज होगी। ठीक है, आई थिंक हम लोग ने ओएसए रेफरेंस मॉडल काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम सिस्को थ्री लेयर मॉडल ज़रूर पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।